हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी हैप्पी योजना के बारे में आज आपको जानकारी देनी थी। आपकी हैप्पी योजना से संबंधित कमेंट आती रहती हैं कि हमारा हैप्पी कार्ड हमें नहीं मिला, हैप्पी कार्ड कैसे मिलेगा, हैप्पी कार्ड के बारे में कुछ जानकारी दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज हैप्पी कार्ड के बारे में ही देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी कि आपको हैप्पी कार्ड कैसे मिलेगा, क्या इसके अभी प्रोसेस है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख तक है, उससे कम वेरीफाई है, वो परिवार अपना हैप्पी कार्ड यानी अंत्योदय परिवार परिवहन योजना कार्ड अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इस योजना में आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज में इस कार्ड के माध्यम से बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कार्ड है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक सदस्य का अलग अलग कार्ड बनेगा और अलग अलग कार्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों इसकी जो फीस है वो 50 रुपये रखी गई है, यानी ये जो कार्ड है आपको बस स्टैंड से मिलेगा और 50 रुपये वहाँ पर आपको जमा करवाने पड़ेंगे प्रत्येक कार्ड के लिए, तभी आपको ये कार्ड दिया जाएगा। दोस्तों जिसने भी ये कार्ड अप्लाई कर दिया था लेकिन उसके पास मैसेज नहीं आया, ओटीपी नहीं आया, आपको मैंने बताया था कि ओटीपी के माध्यम से आपको कार्ड मिलेगा, लेकिन दोस्तों अब कुछ समय से जो कार्ड हैं वो ओटीपी न आने पर भी मिल रहे हैं। कैसे? दोस्तों जब आप बस स्टैंड पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो वहां पर जब आप बताएंगे तो आपका जो ओटीपी है वो उसी समय भेज दिया जाएगा। दोस्तों पहले जो ऑपरेटर हैं वो ओटीपी नहीं भेज रहे थे, जो आपके पास ओटीपी आ रहा था उसी के माध्यम से कार्ड आपको दे रहे थे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा था तो आपका जो ओटीपी है वो नहीं भेजा जा रहा था, सेंड नहीं किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब जब आप बस स्टैंड पर कार्ड लेने जाएंगे और आपके पास ओटीपी नहीं आया है तो भी आपको कार्ड मिल जाएगा, आपका जो ओटीपी है वो उसी समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आपको उस ओटीपी के माध्यम से कार्ड दे दिया जाएगा। दोस्तों अब भी अगर आपने कार्ड नहीं लिया है तो बस स्टैंड पर जाकर आप अपना कार्ड लेकर आ सकते हैं। दोस्तों जब आप बस स्टैंड पर अपना कार्ड लेने जाएं तो वहां पर आपको एक तो वो रिसिप्ट लेकर जानी है जो सीएससी ऑपरेटर ने आपको दी थी, या अगर आपने खुद अप्लाई किया था तो जो भी रिसिप्ट जनरेट हुई थी, जो भी रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था वो आपको अपने साथ लेकर जाना है, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फैमिली की फोटोकॉपी और अपना जो मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था वो मोबाइल नंबर भी अपने साथ लेकर आपको जाना है। वहां पर जब आप जाएंगे तो आपका जो ओटीपी है वो सेंड कर दिया जाएगा, ओटीपी लेकर आपका जो कार्ड है वो एक्टिव कर दिया जाएगा, उसकी पिन बना दी जाएगी, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहां पर जमा करवा ली जाएगी और 50 रुपये जमा करवाए जाएंगे और आपका जो कार्ड है आपको सौंप दिया जाएगा, पिन बनाकर आपको आपका जो कार्ड है वो दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपना कार्ड प्राप्त बस डिपो से कर सकते हैं अगर अभी तक आपने अपना कार्ड नहीं लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी क्योंकि आपके लगातार कमेंट आ रही थी कि हैप्पी योजना के बारे में कुछ जानकारी दो, हमें हैप्पी कार्ड अभी तक नहीं मिला है, हमारे पास ओटीपी नहीं आया है, ओटीपी नहीं आया है तो अब कार्ड कैसे मिल सकता है, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अब यही प्रोसेस चल रही है, आपके पास ओटीपी आया हो या नहीं आया हो आप अपना बस स्टैंड से कार्ड लेकर आ सकते हैं। अब वहां पर जो ऑपरेटर हैं वो ओटीपी सेंड कर रहे हैं, पहले वो ओटीपी सेंड नहीं करते थे, पहले आपके पास ओटीपी चेक करते थे कि आपके पास ओटीपी आया है नहीं आया है, अगर ओटीपी नहीं आया होता तो आपको बता दिया जाता कि ये ओटीपी आएगा तभी आपको कार्ड मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब ओटीपी वहां पर सेंड कर रहे हैं, तुरंत आपका ओटीपी वो भेज देंगे और ओटीपी लेकर वहां पर आपका जो कार्ड है वो एक्टिव कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।